हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल मेरा नाम शितज बिष्ट है एंड मैं एम अ सर्टिफाइड एनाबॉलिक्स ट्रेनर आप में से काफी सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे जो कि Instagram के थ्रू आए होंगे एंड जो लोग नहीं जानते अपना Instagram हैंडल यहां पे मेंशन कर रहा हूं आप लोग एक बार जाके चेक आउट जरूर करना वहां पे मैं डेली कंटेंट डालता हूं अबाउट एनाबॉलिक्स एंड फिटनेस तो उट करना अच्छा तो कर वेस्ट करते हुए वे, आज के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बजट कटिंग साइकिल तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बजट कटिंग साइकिल जो कि पांच से सात हजार रूपए के बीच में आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी बारह हफ्ते की साइकिल प्लस मैं आपको बताऊंगा डोज ड्यूरेशन सारी की सारी साइड इफेक्ट्स एंड उनकी प्रिवेंशन एंड ऑल बहुत सारी टिप्स जो कि आपकी इस कटिंग जर्नी को इम्प्रूव कर देगा एंड आपको एक बेटर रिजल्ट देगा तो गाइस इस साइकिल में सबसे पहला कंपाउंड जो कि आप लोग यूज करेंगे वो है टेस्टोस्टेरोन। एंड जैसे कि मैं बोलता हूं टेस्ट्रॉन किसी भी साइकिल का बेस होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साइकिल के लिए तो इसमें आप कौन सा एस्टर यूज करेंगे अब एस्टर क्या होते हैं तो एस्टर टेस्टस्ट्रॉन की फॉर्म्स होती है जो कि डिफर करते हैं ऑन हाउ लॉन्ग दे लास्ट इन टू बॉडी जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का कोई एस्टर हम ले ले जैसे कि टेस्ट्रॉन ले ले उसकी हाफ लाइफ होती है वो पांच से छह दिन की होती है ऑन दी अदर हैंड जो कि हम इस साइकिल में यूज करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट इसकी हाफ लाइफ तीन से चार दिन की होती है एंड ये मोस्टली हंड्रेड एमजी की कंसेंट्रेशन में आता है टेस्टोस्टेरोन एनथेट ऑन दी अदर हैंड टू फिफ्टी की कंसेंट्रेशन में आता है और अगर आप इनको स्पेसिफिकली कंपेयर करेंगे ऑन दी बोथ साइड सो अगर आप हंड्रेड एमजी एनथेट एंड हंड्रेड एमजी ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट लेंगे तो

एंड इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैं इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंड साइड इफेक्ट प्रिवेंशन भी बताऊंगा सारी चीजों की तो वीडियो में एंड तक बने रहना तो ये 12 हफ्तों का साइकिल होने वाला है तो पहले चार हफ्तों के लिए आप इसकी टू हंड्रेड की डोज लेंगे दूसरे चार हफ्तों के लिए आप इसकी थ्री या थ्री हंड्रेड की डोज ले सकते हैं एंड फॉर द लास्ट फोर वीक्स आप इसकी 400 टू 500 हंड्रेड की डोज ले सकते हैं 500 हंड्रेड एम जी में जाना रिकमेंड नहीं करूंगा ऑन योर फर्स्ट साइकिल बट इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडीज मसल बॉडी कितना मसल मास आपकी बॉडी होल्ड कर रही है उसके पर किलोग्राम के हिसाब से ही एम जी कैलकुलेट होती है तो इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स अगर आप लोगों को एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अफकोर्स द सर्विसेज आर पेड एंड मैं पहले ही हाथ जोड़ रहा हूँ भाई इफ यू कान पे अ गुड डिसेंट अमाउंट फॉर य्रांसफॉर्मेशन बिकॉज इसमें जो आपको सर्विसेज मिलेंगी देर वेरी प्रीमियम सर्विसेस बहुत क्लोज मॉनिटरिंग मिलेंगी रिजल्ट शोन है मैं इन दी एंड ऑफ दीडियो हमेशा मैंशन करता हूं अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट हम कैसे तीन महीने में उनको एक क्लियर सिक्स पैक एप की स्ट्रक्चर बना के देते हैं जिसके लिए बहुत सारी चीजें होती है एंड आई यूज वेरी एडवांस कंपाउंड एंड पेपटाइट्स विद माई क्लाइंट तो इसीलिए मैं पहले ही बोलूंगा अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो प्लीज टेक्स्ट मत करना बिकॉज मुझे दिन के कम से कम से टेक्स्ट आने लगे हैं कि भाई लेके लेके बता बता दो दे बता दो बट मैं आपको अभी यही वीडियो में बता देता हूं जो मेरी पीटी की कॉस्ट है डेट स्टार्ट फ्रॉम ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज बारह हजार रुपए तीन महीने के हिसाब से शुरू होती है एंड इट गोज ओवर कि आपका इस समय ट्रेनिंग लेवल क्या है एंड किस हिसाब की कि आपकी बॉडी कंडीशनिंग है तो इसलिए अगर आपका वॉलेट अलाउड नहीं करता है उतना तो प्लीज टेक्स्ट मत करना अपना एंड मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत करना बट इफ यू हैव द अलाउंस ऑफ द बजट तो आई विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट आए उतना अच्छा रिजल्ट आपको कभी भी खुद से साइकिल चला के नहीं आ सकता प्लस आई विल गारंटी यू कि आपको मेरी गाइडेंस के अंदर एक छोटे से छोटा साइड इफेक्ट भी नहीं होगा बिकॉज हम सारे प्रिकॉशंस को कैलकुलेट करके फिर चलते हैं आगे तो इसलिए इफ यू वॉन्ट द एक्सपर्ट गाइडेंस आप डीएम कर सकते हैं तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड कंपाउंड पे जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एंड मोस्ट ऑफ द लोग इसको ऑलरेडी यूज या अब्यूज़ कर रहे होंगे अगर आपका फैट लॉस गोल है तो ये बेसिकली पता नहीं क्यों लोग इसको एक एनाबॉलिक समझते हैं बट ये एनाबॉलिक की कैटेगरी में नहीं आता है इट इज एन ड्रग बेसिकली एंड इसका नाम है क्लैन क्लैन बुट्रॉल इज बेसिकली एन एस्थेमैटिक ड्रग इनक्यूर डेलिएटर जब यह एस्थामेटिक पेशेंट्स को दिया गया तो उन्होंने एक इसका साइड इफेक्ट फेस करा जो कि हम इसके गुड इफेक्ट की तरह लेते हैं जो कि फैट लॉस है यानी कि स्टडीज में यह देखा गया कि जब भी इसको पेशेंट्स को दिया गया जो कि एस्थेमैटिक पेशेंट्स थे उनकी बॉडी ने ग्रेजुअली फैट लॉस करा तो इसलिए बहुत पोर्टेंट ड्रग है एंड इसलिए इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज एंड अब्यूज करा गया है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बट तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बहुत डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में बट अभी मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि एक्चुअली काम क्या करता है ये हमारी बॉडी में जाके ओवरऑल कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है तो सारी की सारी जितनी भी हमारी बॉडी में मसल्स होती है उनकी कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है साथ ही साथ हमारे कार्डियक मसल्स की भी कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है जिससे हमारी हार्ट बीट भी तेज होती है एंड आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को काफी ज्यादा हाई कर देगा यानी कि जो कैलोरीज आप कुछ भी नहीं करके बर्न कर रहे हैं उन कैलोरीज को बहुत ज्यादा हाई कर देगा तो आप हमेशा एक डेफिशिएंट में रहेंगे यानी कि जैसे मैं अभी बैठा भी हूं तो इफ आफ्टर टेकिंग मेरी बॉडी अभी भी कैलोरीज को बर्न कर रही होगी तो यह आपको एक क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये भी देखा गया है कि इसका एक माइल्ड एनाबॉलिक इफेक्ट है बहुत माइल्ड बोल सकते हैं यानी कि आपकी मसल्स को प्रिजर्व करता है उन्हें इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होने देता एंड स्पेसिफिक फैट रिसेप्टर सेल्स के साथ कंबाइन करता है एंड फैट को मोबिलाइज करता है जो इसे बहुत पोटेंट ड्रग बना देता है फैट लॉस के लिए बट इसके कुछ बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम इन दी एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे तो एंड तक बने रहना चलिए अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर जो कि है टी थ्री या फिर साइटोमिल बेसिकली टी थ्री इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टी फोर एंड ये हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है ट्वेंटी mcg की कंसेंट्रेशन में यानी कि बीस mcg आपकी बॉडी इसे खुद ब खुद बनाती है इसलिए जब भी आपको इसको लेना है तो आपको इसकी फिफ्टी mcg की डोज से ही शुरू करना है बिकॉज बीस तो बॉडी खुद बनाती है तीस भी लोगे तो इतना कुछ अच्छा रिजल्ट बॉडी में नहीं आएगा तो इसलिए फिफ्टी mcg से ही इसको शुरू करना है ये भी सेम है ये बेसिकली क्या करती है जो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन होता है इट रेगुलेट्स अवर मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिक रेट है जो कि हम ज्यादातर सुनते भी हैं कि इसको फैट लॉस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रेट जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जिसके कारण आपकी बॉडी सेम जैसे मैंने क्लैंड बुट्रोल में बोला था कि ज्यादा कैलोरिक एक्सपेंडिचर करेगी अपने नॉर्मल एंड बाइनरी फंक्शंस को कैरी आउट करने में इसके साथ एक सबसे बुरी चीज भी है कि इसकी आपकी बॉडी को आदत लगती है जो कि इसका एक साइड इफेक्ट है जिसके मैं आपको इन दी एंड बताऊंगा अब इन दोनों की डोज के ऊपर बात कर देते हैं तो जो क्लैंड बुट्रोल है उसको आपको छ वीक की साइकिल चलानी है फिर ऑफ करना है तो आप इसको कैसे चलाएंगे फॉर द फर्स्ट वीक आप लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी एमसीजी से फॉर द सेकेंड टू वीक्स आप लोग लेंगे 60 एमसीजी एंड फॉर द लास्ट टू वीक्स आप लोग लेंगे 80 एमसीजी फिर आप इसको टेपर ऑफ कर देंगे सेकंड चीज साइटोमिल भी आप ऐसे ही यूज करेंगे आपको इसको तीन हफ्ते तक लेना है पहले दो हफ्ते आप 50 एमसीजी लेंगे सेकंड टू वीक्स आप लोग 60 एमसीजी लेंगे एंड फॉर द लास्ट टू वीक्स आप लोग 80 एमसीजी तक भी जा सकते हैं एंड कुछ लोग 100 एमसीजी तक भी पुश करते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पहली साइकिल में इसको हंड्रेड एमसीजी लेना बिल्कुल भी अब आ जाते हैं हमारे तीसरे कंपाउंड के ऊपर तो जो हमारा तीसरा कंपाउंड है वो है विंस्ट्रॉल या फिर इसकी जो ओरल फॉर्म है जिसे हम स्टेनाजोल बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होकर होता है आपने जिम्स में भी देखा होगा लोग टी थ्री क्लेन एन स्टेनाजोल की साइकिल चलाते रहते हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ओनली ओरल साइकिल्स आर द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी तो सिर्फ ओरल साइकिल्स तो आपको कभी भी नहीं चलानी है अब स्टेनोजोल क्या है स्टेनोजोल इज एन डीएसटी डेरिवेटिव ड्रग यानी कि एक सोल्ड सोलडीएसटी फॉर्म है तो इतना ज्यादा ये एरोमेटाइज भी नहीं होता ना ही उतना फाइव अल्फा रिड्यूस होता है बिकॉज ये डीएसटी ही है इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये ड्यूरेटिक की तरह भी काम करता है यानी कि आपकी बॉडी से जो एक्सेस वाटर रिटेंशन होता है उसे भी कम करता है प्लस इसका एक बहुत हेवी एनाबॉलिक इफेक्ट है यानी कि अगर आप इसको ड्यूरिंग द कटिंग साइकिल लेंगे तो आप ये देखेंगे एक कैलोरिक डेफिशिएंट में होके भी आप लोग मसल लॉस नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि उन लोगों को बहुत अच्छा मसल गेन हुआ है अगर उन्होंने अपने प्रोटीन गोल्स अच्छी तरीके से हिट करे हैं थ्रू आउट द डे यानी कि जो इसका एनाबोलिक पोटेंसी है वो ऑन द काफी हायर एंड है अब आप इसको लेंगे कैसे तो आप इसकी बीस एमसीजी की डोज लेंगे इसको आप चार हफ्ते से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे जो पहले के आठ हफ्ते हैं उसमें आप क्रेन बुटोल टी थ्री लेंगे एंड जो लास्ट के चार हफ्ते हैं उसमें आप स्टेनाज चला सकते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टू वीक्स आप इसको फोर्टी एमसीजी लेंगे एंड फॉर द लास्ट टू वीक्स आप इसको फिफ्टी एमसीजी लेंगे ये इसकी एडिक्वेट डोज है फॉर अ नॉर्मल मेल एंड टू शो रिजल्ट इतनी डोज आपको इसकी लेनी ही पड़ेगी सेकेंड चीज जो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज्यादा कंपाउंड है अभी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इट इज वेरी हार्ड ऑन योर लीवर तो इसलिए कभी भी आप इसको चार हफ्ते से ऊपर नहीं चलाएंगे ये आपके लीवर प्रोफाइल को बिगाड़ सकता है अगर ऑलरेडी आपका लीवर कमजोर है या फिर यू हैव अ कंडीशन ऑफ फैटी लीवर तो कभी भी इस कंपाउंड को आप यूज नहीं करेंगे अब आते हैं क्लैन बुटोल टी के साइड इफेक्ट के ऊपर तो ये क्या करते हैं ये दोनों की दोनों जो ड्रग्स है ये क्या करती है आपकी बॉडी में थर्मल इफेक्ट क्रिएट करती हैं। यानी कि इनको लेके आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ता है जिसके कारण लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें होती हैं अगर आपको पहले से कोई स्ट्रेस एंड एंजाइटी का इशू है तो आपको बिल्कुल भी ये कंपाउंड नहीं लेना चाहिए बिकॉज ये आपके एडलिन रिसेप्टर को भी ट्रिगर करती है जिसके कारण आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील होगा आप काफी एंगशियस एंड एंग्री भी फील कर सकते हैं थ्रू आउट द डे तो अगर आपको कोई भी मेंटल इशू है पहले से तो आप इन कंपाउंड को अवॉइड ही करना आप जो इसका थर्मल इफेक्ट है तो गर्मियों

साइड इफेक्ट प्रिवेंशन के ऊपर तो साइड इफेक्ट प्रिवेंशन से पहले मैं एक बात और बोल दूंगा अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज थर्टी परसेंट से ऊपर है तो सबसे पहले आप लोग नेचुरली थोड़ा फैट लॉस करने की कोशिश करिए बिकॉज अगर आप नेचुरली फैट लॉस नहीं करेंगे अगर आप हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे साइकिल को शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी का अरेटाइजेशन रेट बढ़ जाएगा बिकॉज स्टडीज ने दिखाया है कि जितना हायर बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतना ज्यादा टेस्टोन एराम होता है इंटू एस्ट्रोजेन यानी कि उतने ज्यादा आपको इसके एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट होंगे जैसे कि आपको गायनोकोमेस्टिया होना बॉडी में वॉटर रिटेंशन होना ये सारी चीजें आपको इससे हो सकती है प्लस आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा अरमेटाइज हो रहा है तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी साइकिल चलाओ तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही चलाओ एंड अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं द इंस्टाग्राम सर्विस हैं साइड इफेक्ट प्रिवेंशन के ऊपर तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारे साइड इफेक्ट बताऊंगा जो कि हो सकते हैं साइकिल से सबसे पहला है कोई भी एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट जो कि साइकिल से हो सकता है यानी कि एस्ट्रोजन बढ़ना अब जो अरमेटाइजेशन रेट होता है वो आपकी जीनेटिक मैपिंग के ऊपर डिफर करता है एंड सबकी बॉडी का अलग होता है कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा एरोमेटाइज करती है नेचुरली इन कुछ लोगों की बॉडी बहुत कम करती है मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो हजार एमजी और ऑफ लेते हैं उनको गायनो नहीं होता कुछ ऐसे भी देखे जो तीन सौ में ही गायनो के सिम्टम्स डेवलप करने लग जाते हैं तो इसकी प्रिकॉशन के लिए आपको एनेस्ट्रोजोल या टिमोक्सोफिन जैसी कोई एरे इनहेबिटर लेनी है जो की हेल्प करेगी आपको एरोमेटाइजेशन रेट को कम करने में अपनी बॉडी के जो कि बहुत पोर्टेंट दवाई है बट तभी लेना अगर अरोमेटाइजेशन ज्यादा हो रही हो बॉडी में इसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं सेम अगर आपको पहले से कोई बाल्डिंग का इश्यू है यानी कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं या फिर आप पहले से मोस्टली बाल्डी हैं, तो ड्यूरिंग द साइकिल मैं आपको गारंटी देता हूं आपके ज्यादा बाल झड़ेंगे एंड अगर आपको बाल्डिंग का पहले से इश्यू नहीं है तो आपके अगर तीन चार बार साइकिल में झड़ भी जाते हैं तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज वो रिवर्सेबल होता है आफ्टर द साइकिल आपके बाल जो है वो वापिस आ जाएंगे पर एक डीएसटी डेरिवेटिव साइड इफेक्ट है इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी आप शैंपू करें तो आप कीटा कार्नेजोल कारनेट का शैंपू यूज कर सकते हैं साथ ही साथ आप 5 का सॉल्यूशन अपने बालों में लगा सकते हैं ट्रॉपिकली यानी कि हाथ से आपको उसको ड्रॉप टू ड्रॉप लगाना है एंड वो एक पोटेशियम एक्टिवेटर होता है जो की आपके हेयर फॉलिकल को थिन नहीं होने साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है इन द लॉन्गर रन एंड अगर आपको बहुत ही विगरस बाल्डिंग का इशू है या फिर आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक्ने हो रहे हैं आप फेनेस्ट जैसा कोई फाइव अल्फा रिडक्ट इनहाबिटर ले सकते हैं तो क्योंकि रिड्यूस नहीं होने देता इनटू डी एस टी एंड अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी का इश्यू हो ही रहा है तो आप आइसोट्रेटिनोइन ले सकते हैं ट्वेंटी एमजी

एंड जो आपकी क्लैरिटी थ्री है वो दो हजार रूपए की आ जाएंगी तो दिस इज कंप्लीट बजट साइकिल जो कि सात या आठ हजार रुपए के अंडर आपकी हो जाएगी ये मेरी गारंटी है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एक्सपर्ट गाइडेंस तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना एंड इन दी एंड में अपने कुछ क्लाइंट के रिजल्ट्स डाल दूंगा वो भी देखते हुए जाना प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिकॉज हम 5000 सब्सक्राइबर रीच करने वाले हैं गाइस एंड कमेंट्स करके बताना कि इसके आगे मैं क्या वीडियोस बनाऊं गाइस बाय बाय